नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हवन एक बार फिर से आपका नित्यम क्लास में स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था नाम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान हमारे एक कण का निर्माण हुआ था माइक्रोस्पोर। उस माइक्रोस्पोर को हम क्या बोलते हैं भाई, पराग कण भी उसको बोला जाता है, और उसका एक अन्य नाम पोलन ग्रेन भी और माइक्रोमियो स्पोर भी है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ पराग कण। ठीक है, अब देखिए इस स्ट्रक्चर के अंदर अंतर्गत आने वाली जितनी भी संरचनाएं हैं या उनका फंक्शन क्या है, ये आज हम देखते हैं। ठीक है, अब हम उनकी संरचना बनाते हैं कि इनकी संरचना कैसे बनेगी। ठीक है, अब देखिए इस हमारे पराग कण के बाद सबसे बाहर की जो लेयर होती है, ये आंतरिक लेयर है और ये हमारी बाह्य लेयर है। ठीक है, अब इसको बाहरी लेयर को हम क्या बोलते हैं भाई, एक्साइन, और आंतरिक लेयर को हम क्या बोलते हैं, इंटाइन, यानी कि बाह्य चोल और अंतःचोल। इस आंतरिक लेयर के अंदर हमारे यहां पर दो केंद्रक पाए जाते हैं, एक केंद्रक हमारा क्या होता है, वृद्धि केंद्रक, वृद्धि केंद्रक, और एक होता है हमारा ये छोटे आकार का होता है ये जनरेटिव या जनन केंद्रक इसको बोलते हैं। अब वृद्धि के दौरान इसके बाहर का जो जीव द्रव्य है ये इसकी इसको चारों ओर से क्या कर लेता है, ये कवर कर लेता है, और कवर करने के बाद इसके अंदर का जो ये जीव द्रव्य है ये गाढ़ा हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा जनन केंद्रक होता है, जनन केंद्रक, और ये क्या होता है हमारा, ये वृद्धि केंद्रक होता है। ठीक है, इसके अंदर का ये जो भाग यानी कि इससे अलग जो होता है ये इसका जीव द्रव्य होता है जो हमारा वृद्धि केंद्रक होता है। तो इसको हम साइटोप्लाज्म लिख सकते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखिए दोबारा पढ़ेंगे हम, हमारे पराग कण का निर्माण किस प्रक्रिया के दौरान होता है, वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान होता है, जो हमारे पराग कोष के अंदर, हमारे पराग कोष के अंदर जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो हमारा पराग कोष होता है उस पराग कोष में बीजाणु धानियां होती हैं, और बीजाणु धानियों में क्या होता है हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से ही उनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद किसका निर्माण होता है, हमारे पराग कण का निर्माण होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि इसकी बाहरी लेयर को हम क्या बोलते हैं, अगर हम इसकी डिटेल थोड़ी जाने कि थोड़ा हमको लिखना पड़े तो हम क्या कर क्या पढ़ेंगे कि हमारे पराग कण की सबसे जो बाह्य जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, हम एक्साइन बोलते हैं, और आंतरिक लेयर को क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं, और इसी इंटाइन के अंदर दो प्रकार के केंद्रक हमारे पाए जाते हैं, एक तो होता है हमारा वृद्धि केंद्रक और एक होता है हमारा जनन केंद्रक। ठीक है, अब देखते हैं हम कि इनका काम क्या होता है, इनके फंक्शन क्या होते हैं, किसी चीज के बने होते हैं। हम बात करते हैं हमारे जो बाह्य जो स्तर होता है वो क्या हमारा एक्साइन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य चोल। ये क्या होता है हमारा कठोर बाह्य भित्ति होती है, क्या होती है, ये कठोर बाह्य भित्ति होती है, और इस पराग कण को प्रत्येक परिस्थिति में जीवित रखने का काम ये करती है, और अम्ल अक्षार और ताप से भी इसकी क्या करती है, ये सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरी बात, ये जो हमारी एक्साइन लेयर होती है ये किसका बना होता है, ये हमारी स्पोरोपोलेनिन एक पदार्थ होता है जिससे ये बनता है, और विभिन्न परिस्थितियों में इसको बनाए रखने के लिए ये जो हमारी बाह्य भित्ति होती है और जो हमारा स्पोरोलेनिन जो पदार्थ होता है ये इसको क्या करता है, हेल्प करता है, यानी कि प्रत्येक परिस्थिति में इसको बनाए रखने के लिए ये क्या काम करता है भाई, ये हेल्प करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटाइन, किसकी बात करते हैं हम, इंटाइन या अंतचोल की। ये क्या पता है हमारी एक्साइन की थोड़ी आंतरिक लेयर को हम क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं, ये थोड़ी पतली होती है और आंतरिक भित्ति होती है। आंतरिक इसलिए कहा क्योंकि हमारे एक्साइन के ये अंदर स्थित होती है, इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक भित्ति, और ये क्या होती है, पतली होती है, और ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और ये पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, ये सेल्यूलोज पेक्टिन किसी होते हैं, हमारे प्रोटीन के बनते हैं जो इस पराग कण को क्या करते हैं, ये प्रोटीन प्रदान कराते हैं। ठीक बात, अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो पाए जाने वाले हमारे जो दो केंद्रक हैं, यानी एक हमारा वृद्धि केंद्रक और एक क्या होता है हमारा जनन केंद्रक। अब देखिए जो हमारा ये बड़ा जो वृद्धि केंद्रक होता है ये अनियमित आकार का होता है और ये बड़ा होता है, और इसके बाहर ये जो संरचना पाई जाती है ये इसका अपना खुद का जीव द्रव्य होता है, ये क्या होता है थोड़ा विरल होता है। क्या होता है, ये जो हमारा इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ये क्या होता है भाई,
विरल होता है अकॉर्डिंग टू किसके, जो हमारे जनन केंद्रक के जो चारों ओर जो हमारा जे द्रव्य पा जाता है इसके अकॉर्डिंग ये विरल अवस्था में होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक बड़ा एक अनियमित प्रकार का काम होता है, और ये इस पराग कण को, इस पराग कण को क्या करता है, ये पोषण प्रदान करता है, साथ ही साथ कुछ समय बाद जब इसकी वृद्धि होती है, ये जो हमारा वृद्धि केंद्रक होता है ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, हमारा जो जनन केंद्रक है यानी कि जनरेटिव केंद्रक है, इसमें क्या होता है, ये छोटा केंद्रक होता है, मैंने आपको बताया कि ये भारत छोटा होता है, इसके अपेक्षा ये क्या होता है, छोटा होता है, और इसका ये जो जीव द्रव्य होता है ये अकॉर्डिंग टू ये जिसका जो जीव द्रव्य होता है इसकी अपेक्षा ये गाढ़ा होता है, ठीक है, ये गाढ़ा होता है। और इससे किसका निर्माण होता है, दो नर युग्मक का निर्माण होता है, यानी कि जब ये हमारा जो जनरेटिव केंद्रक होता है जब ये वृद्धि करता है तो इससे दो नर युग्मकों का निर्माण होता है, या ये भी कह सकते हैं कि इससे पराग नली का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भाई, पराग नली का होता है। इस पराग नली में दो नर युग्मक होते हैं, दो नर युग्मक होते हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं हमारे निषेचन की क्रिया में, यानी कि एक नर युग्मक पराग कोश के एक केंद्रक से एंटर करके या फ्यूजन करके किसका निर्माण करता है, भ्रूण कोश का निर्माण करता है, और एक नर युग्मक उसकी एग सेल से फ्यूजन करके किसका निर्माण करता है भाई, जाइगोट का निर्माण करता है, ठीक है। दूसरी मैंने आपको बात बताई, जो हमारी इसकी जो बाहर की जो लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है, इस आउटर लेयर में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्या होते हैं भाई, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं भाई, जनन छिद्र, जनन छिद्र उनको बोला जाता है, जिनके माध्यम से ये जो पराग नली है ये इनके माध्यम से ही बाहर निकलती है, और इसका निर्माण किससे होता है, इंटाइन से होता है, और किसके द्वारा होता है, जो हमारा जनन केंद्रक होता है उसमें वृद्धि के दौरान इस पराग नली का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, आज हमने क्या किया है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, इस पराग कण के दो नाम है, एक हमारा पोलन ग्रेन माइक्रोमियोस फोर लघु बीजाणु पराग कण, सब इसी के ही नाम है, किसी भी नाम से ये आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया जो इसकी बाहर की जो लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जाइन बोलते हैं, या इसको बाह्य छोल बोलते हैं, इसमें ही क्या होते हैं, कुछ छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को क्या बोला जाता है भाई, जनन छिद्र बोला जाता है, और हमारे पराग कण की जो आंतरिक लेयर होती है उसको इंटाइन बोलते हैं, यानी कि अंतःचोल बोलते हैं, ये पतली होती है, और ये आंतरिक भित्ति इसलिए होती है क्योंकि ये एग्जाइन के अंदर प्रेजेंट होती है, ये सेल्युलोज और पेक्टिन की बनी होती है, साथ ही साथ इसी इंटाइन के अंदर हमारे दो केंद्रक प्रेजेंट होते हैं, एक होता है हमारा वृद्धि केंद्रक और एक क्या होता है हमारा जनन केंद्रक। ये जो हमारा बड़ा केंद्रक होता है ये अनियमित आकार का होता है, अनियमित मतलब कि थोड़ा बड़ा होता है, इसका कोई आकार निश्चित नहीं है, ये बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू इसके, ठीक है। अब ये काम क्या करता है, ये पोषण का काम करता है, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जो हमारा जनन केंद्रक होता है ये वृद्धि के दौरान क्या करते हैं, इससे किसका निर्माण होता है, दो नर युग्मकों का निर्माण होता है, और इसका जीव द्रव्य क्या होता है, गाढ़ा होता है अकॉर्डिंग टू जो हमारा वृद्धि केंद्रक होता है, ठीक है। लास्ट बात मैंने आपको क्या बताई, जो हमारी एग्जाइन होती है ये एग्जाइन लेयर ही क्या काम करती है, बड़ी कठोर परत होती है, और इस पराग कण को प्रत्येक परिस्थिति में बनाए रखने के लिए क्या करती है, ये हेल्प करती है, साथ ही साथ अम्ल से अक्षार से और ताप से भी ये क्या करती है, इसकी हेल्प करती है, क्योंकि किसका बना होता है, स्पोरोलिन पदार्थ का बना होता है, और यही स्पोरोलिन पदार्थ क्या करता है, इसको प्रत्येक परिस्थिति में बनाए रखने का क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है, ठीक है। प्यारे विद्यार्थी, तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको ये पसंद आया होगा और समझ आया होगा, ठीक है। एक बात और बताना मैं भूल गया हूं कि अगर हमारा ये जो पराग कण है इसका निर्माण किससे होता है, जो हमारी लघु बीजाणु धानी होती है, लघु बीजाणु धानी के अंदर माइक्रो मदर सेल्स क्या होती है, या स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन के दौरान किसका निर्माण होता है, पराग कण का निर्माण होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को ये शेयर भी कीजिए। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको अत्यंत पसंद आया होगा, तो धन्यवाद।